गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको एयू बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस आपको शेयर किया था और काफी लोगों ने अकाउंट भी ओपन किए होंगे। और अगर आपने अकाउंट ओपन करते समय अपनी वीडियो केवाईसी को पेंडिंग में रखा है तो वीडियो केवाईसी को आप घर बैठे कैसे करेंगे, वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और आपकी जो पेंडिंग वीडियो केवाईसी है उसको आप कैसे करेंगे, ये पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आप आए। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको अपना सेविंग अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन करना जरूरी है। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं उस समय आपकी जो वीडियो केवाईसी होती है, वीडियो केवाईसी करने का जो ऑप्शंस होता है वो अकाउंट ओपन करते समय ही आपके अंदर इंस्ट्रक्शन में आता है। बट गाइस, वहां पर एक ऑप्शंस होता है कि आप वीडियो केवाईसी को बाद में भी कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग वीडियो केवाईसी को पेंडिंग में रख लेते हैं और अपने अकाउंट से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन को फिल करके अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपने भी अपनी वीडियो केवाईसी को पेंडिंग में रखा है तो अब आप वीडियो केवाईसी को कैसे कर पाएंगे? तो गाइस, इसके लिए बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड करता है। जैसा कि वीडियो के साइड में आपको एक SMS मिलेगा, ठीक इसी तरह की लिंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एयू बैंक सेंड करता है। उसी SMS में आपको एक लिंक मिलती है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो KYC वाले पेज पर आप ऑटो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। गाइस, KYC करने के लिए आपको इस तरह का SMS रिसीव होगा, यहाँ पर आपको एक लिंक दी है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा तो आपको अपना OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, उसको राइट कर लेना है। अपनी टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल रेडी रखनी है, जैसे कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। एक ब्लैंक व्हाइट पेपर और पेन आपके पास में होने चाहिए। योर एग्जिटिंग अदर बैंक अकाउंट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI डिटेल फॉर फंडिंग योर न्यू अकाउंट। आपको अपने न्यू अकाउंट में कुछ फंड ऐड करना होगा, उसके लिए आपके पास में एक दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड UPI या फिर नेट बैंकिंग होना जरूरी है। अगर आपने कुछ फंड पहले से ऐड कर लिए हैं तो फिर आपको ऐड करने का नहीं बोला जाएगा। एक बार आपको इनिशियल फंड ऐड करना होता है, उसके बाद आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये वाली डिटेल आपके पास में होनी चाहिए, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ओरिजिनल पैन कार्ड, एक ब्लैंक पेपर जिस पर आपको उनके सामने सिग्नेचर करने होंगे, आपके जो भी साइन है वो करने होंगे। अब वीडियो KYC करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर KYC नाउ पर क्लिक करना है। गाइस, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर KYC नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे और वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही आपकी KYC डन होगी। आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड बताना है, उसके बाद आपके पास में जो ब्लैंक पेपर होगा उस पर आपको सिग्नेचर करना है। ये सब पूरा प्रोसेस लाइव होता है, उनके सामने होता है। तो ये दो स्टेप ओनली फॉर आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आपके AU सेविंग अकाउंट की KYC डन हो जाती है। और KYC पूरी होने के बाद आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको अपने बैंक का वेलकम किट दिया जाएगा जिसमें आपका चेकबुक और डेबिट कार्ड होगा। ध्यान रहे, जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो रुपए डेबिट कार्ड है और उसका जो भी चार्ज होगा वो आपके AU सेविंग अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। 150 प्लस GST चार्जेस है जो आपके AU सेविंग अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो गाइस, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इनिशियल कुछ फंड डिपॉजिट कर लेना है तो जो भी चार्जेस है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। बाकी गाइस, अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो KYC से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनली Instagram पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।